मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणामों का इंतजार बीजेपी और कांग्रेस समेत पूरी प्रदेश की जनता को है। सब ये जानना चाहते हैं कि प्रदेश की सत्ता किसके हाथ जाने वाली है या फिर जैसी चली आ रही है वैसी ही रहेगी। इसी बीच प्रदेश के दोनों ही दल किसी भी कीमत पर इस चुनावी परिणाम में लापरवाही बरतना नहीं चाहते। यही कारण है कि कांग्रेस ने भोपाल में अपने सभी प्रत्याशियों के साथ बड़ी बैठक का आयोजन किया था। दरअसल 26 नवंबर को कांग्रेस ने अपने सभी 230 प्रत्याशियों को राजधानी भोपाल में बुलाया था। यहां पीसीसी ऑफिस में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कमलनाथ ऑनलाइन जुड़े। इस पूरी बैठक के दौरान कांग्रेस का फोकस ईवीएम मशीन की निगरानी पर था। इसके अलावा जो ट्रेनिंग दी गई उसमें साफ सख्त कहा गया कि सुबह बैलेट पेपर से लेकर ईवीएम मशीन पर पूरा ध्यान रखा जाए। अंतिम वोट गिने जाने तक प्रत्याशी और उसके समर्थक स्ट्रांग रूम के बाहर जुटे रहे। बीते दिन बालाघाट के एक वायरल वीडियो ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस का आरोप है कि यहां पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी और प्रशासन की घेराबंदी शुरू कर दी है। पूरे मामले में चुनाव आयोग ने भी कार्यवाही की है। कांग्रेस पहले से ही आरोप लगाती आ रही है कि बीजेपी मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। इसी कारण अपने प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के लिए भोपाल में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया था ताकि मतगणना वाले दिन कोई भी गलती ना हो जाए। पीसीसी कार्यालय में जैसे ही सभी प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद मानो उम्मीदवार एक्टिव हो गए। वे लगातार अपने स्ट्रांग रूम के बाहर नजर बनाए हुए हैं। बीते दिन कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा भी भोपाल के स्ट्रांग रूम पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मुस्तैदी के कारण ही अभी तक कोई बड़ी गड़बड़ी की खबर सामने नहीं आई है। हम 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं।